नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो प्राइम न्यूज 24। मैं आपका अपना देवेंद्र भाई, ब्यूरो चीफ गौतम बुद्ध नगर से। आइए दोस्तों, हम इस टाइम खड़े हैं जेवर क्षेत्र के गांव दयादपुर में, और यहां पर हमारे साथ हैं प्रजापति समाज के कुछ संगठन के पदाधिकारीगण हैं, जिन्होंने जिनसे हम आपको वार्तालाप कराते हैं। और ये एक मीटिंग के जरिए दयादपुर के गाँव जेवर क्षेत्र के गाँव दयादपुर में शिव मंदिर भोले बाबा के मंदिर में बैठे हुए हैं, मीटिंग की है। आपको दिखाते हैं, इनसे बात करते हैं क्या इनकी राय है सरकार के विरोध। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? अजीत कुमार प्रजापति जी। सर, आप क्या कहना चाहोगे, बीजेपी सरकार आपके लिए कितनी फायदेमंद है, क्या आपके साथ में कोई विपक्ष बनना चाहोगे या बीजेपी सरकार का फिर से बहुत समर्थन करोगे? जी सर, बिल्कुल, मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, मेरा नाम अजीत कुमार प्रजापति और मैं हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। काफ़ी सताया अभी है, और ओबीसी का 27% जो आरक्षण, मेन मुद्दा 27% आरक्षण, मैं दोबारा से बताऊँगा, मेन मुद्दा 27% आरक्षण जो विधायिका में आज तक ओबीसी वालों ने लागू नहीं किया है, जो गवर्नमेंट रही है बीजेपी सरकार, उन्होंने लागू नहीं किया गया, जिससे कि हमारे शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में और जॉब के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा युवाओं पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, जो जॉब से और बिजनेस से अपने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आग्रह करूँगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री साहब से कि जल्दी से जल्दी अपना ओबीसी वर्ग का जो 27% आरक्षण रहा है, जो काफ़ी पुराना साल है, काफ़ी 70 सालों से मतलब पुराना मैटर मुद्दा चलता आ रहा, आज अभी सरकार में से हो रहते हुए लागू करें जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। तो आपका कहना है भाई साहब कि 27% आपकी मांग है जो सरकार ने अभी तक आपकी नहीं मानी है। हाँ जी। तो ये मांग आपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी के पास लेटर हेड द्वारा या आपने मांग रखी? जी सर, बिल्कुल मांगी, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ शाखा जेवर, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ नोएडा की तरफ से, और काफ़ी सारे शाखाएं चल रही हैं जो ओबीसी के आयोग के द्वारा काफ़ी लेटर वहां पे लग चुके हैं, लेकिन आज तक उनका कोई समाधान नहीं निकल पाया गवर्नमेंट की तरफ से। तो आइए दोस्तों, हमने जाना अजीत कुमार प्रजापति, तहसील सचिव जेवर, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ से, जिनका कहना है कि सरकार से उनको नाराजगी है 27% ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर। तो देखते हैं सरकार इस पर इनकी क्या मांग को मानती है नहीं मानती है, आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्री राम प्रसाद प्रजापति जी। आपका नाम? जल कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष। जल कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारा समाज इस बात को नाराज जाहिर करता है और समाज दूर है, मैं समाज को मनाने में जुटाया हूँ और समाज का आशीर्वाद भी ले रहा हूँ। प्रजापति जनता ने सही किसे खुश होकर लोग कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर प्रार्थना करूँगा कि हमारा समाज नाराज ना हो और हमारे समाज के लिए फ्री जो कोचिंग है, डिग्री कॉलेज है, डॉक्टर है, ये हमारे समाज में क्षमता नहीं है जो ये पढ़ाई पास कर सकें, क्योंकि तो पहली सिटी होती है पढ़ाई की। मैं ये भी कहूँगा सरकार से कि जो हमारी शिक्षा जो है बहुत कमज़ोर है, हमारे समाज के लिए ऐसा नहीं है, बार बार आती है तो मिट्टी वाले को मिट्टी भी नहीं मिलती है, वो बेचारे कहाँ जाए, चोरी छुपे मिट्टी लाते हैं, तब उनके लिए मुश्किल होती है। और मैं ये कहूँगा सरकार से, प्रार्थना करूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से कि हमारा समाज नाराज ना हो और हमारे समाज के लिए फ्री पढ़ाई हो, कोचिंग हो रहा है, जिससे इंजीनियर डॉक्टर बन सकें। सर, आप कह रहे हो कि प्रजापति समाज नाराज हुआ है, सरकार से नाराज है या अपने आप से नाराज है, और आप उसको किस तरीका से मनाना चाहते हो और किस बात को लेकर आपका प्रजापति समाज जिसे आप मनाना चाहते हो, अपने संगठन के द्वारा एकता करना चाहते हो, किस मुद्दे को लेकर नाराज है? देखिए, जब दसी के मिलते हैं तो दसी बात मिलती है, आरक्षण भी बात मिलती है, और जो एससी का आरक्षण है उसकी भी हमसे लोग कहते हैं कि ये नहीं दिया, लेकिन मैं जो मेन मुद्दा है, जो पढ़ाई लिखाई का है, जो अच्छी डिग्री कॉलेज है, मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करूँगा कि हमारे जो शिक्षा फ्री करी जाए और फ्री कॉलेज पढ़ाई दी जाए, ताकि हमारे समाज के बच्चे आगे जा सकें।
जाएं और उनको कामयाबी मिले। मैं हर तरह से मलयालम में सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं सरकार के समर्थन में हूँ। सरकार हमारी सुनेगी ऐसी नहीं है, हमारे सरकार के सामने भी मुद्दे आ रहे थे, कई मुद्दे में उलझ रही थी सरकार। सर आपने कहा कि सरकार के विरुद्ध नहीं हो, आप सरकार से प्रसन्न भी हो और सरकार हर बात को मानेगी। पिछले 2009 में चुनाव होते तब बीजेपी सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे उस टाइम पे, तब आपके समाज के लिए आपके द्वारा मांग पत्र में कुछ दिया गया हो तो उसमें क्या उन्होंने किया और कितनी आपकी सुनवाई करी सरकार ने? सरकार की बात ऐसी, जब सरकार चारों तरफ से कोई अपना काम करती है तो कहीं विरोध हो जाता है, कहीं संकट खड़ा हो जाता है, तो संकट का भी समय खत्म होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि उनसे फिर हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे बयान करेंगे, शांति प्रिय से उनको मनाएंगे, हमारी बात बहुत। लेकिन सर सरकार को तो खुद मनाने की जरूरत पड़ती है जनता को, जनता सरकार को क्या मनाएगी? ये बात ऐसी है कि विरोध से कोई चीज़ नहीं मिलती, सरकार को तो ये हमारा प्रस्ताव रखना पड़ेगा, शांति प्रिय से मिलता है विरोध से। हाँ आइए जानते हैं तहसील सचिव अजीत प्रजापति से, जो कि अभी उन्होंने आरक्षण के तो दो बात बोली थी और आरक्षण की मांग रखी थी, इनकी बातों से कितने सहमत हैं हमारे तहसील सचिव अजीत प्रजापति जी? जी सर, इनका कहना है कि आपके जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि सरकार से हमारी समाज नाराज है और हम उनको मना लेंगे, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से आपकी समाज पर जन समाज किस मैटर पर या किस मुद्दे पर नाराज है और आप कैसे उसको एडवाइस कर पाओ? जी सर बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि हमारा प्रजापति समाज जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है उससे बिल्कुल नाराज चल रही है, और प्रजापति समाज का पूरा ओबीसी जो आया हुआ है, पूरा ओबीसी जो ग्रुप है इस समाज से गवर्नमेंट से बिल्कुल नाराज चल रहा है, क्योंकि ओबीसी के लोगों के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, बाकी सिर्फ ओबीसी के जितने लोग घंटा बजाने के लिए तैयार हैं घंटा ही बजाते हैं, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है, उन्होंने ओबीसी के लोगों के लिए आज तक कुछ नहीं किया, नहीं जॉब सेक्टर में कुछ कर रही है, नहीं बिजनेस सेक्टर में कुछ कर रही है, नहीं विकास के नाम पर कुछ कर रही है। सर लेकिन देश की तो बीजेपी सरकार ने बहुत जल्द कुछ किया है, अपाचे हेलीकॉप्टर राफेल विमान आए लेकर आए फौज के लिए, और देखो 70 सालों से राम मंदिर मुद्दा अटका हुआ था, उसको सॉल्व क्या है, इसका क्या कहना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल राम मंदिर के मुद्दे पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे 500 साल से पुराना जो मुद्दा अटकता चला रहा था ये बहुत अच्छा किया है बीजेपी सरकार ने, राम मंदिर को बनाकर ये एक हिंदू तब की जो हिंदू तो तब शब्द था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, इस्लामिक स्टेट के अकॉर्डिंग भी कोई इस्लामिक स्टेट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चल रहा था, के लिए बहुत अच्छा है, हिंदू तब की समझ लो कि दोबारा से नींव रखी गई है, राम मंदिर बनने से सभी को खुशी है बहुत ज़्यादा, सभी अपने ओबीसी के लोगों को पूरी खुशी है, और अपना त्यौहार के पर्व पर त्यौहार के हिसाब से इस 5 तारीख को मनाने वाले दीपक जलाएंगे, मिठाइयाँ प्रसाद पकवान अपने अपने घरों में सभी को बनाएंगे, और ओबीसी के लोगों के लिए अगर हम इसमें जो राम मंदिर बना गया ट्रस्ट की बात है, राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया जी सर बिल्कुल, राम मंदिर जो ट्रस्ट बनाया गया उसमें ओबीसी का एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं करा इन लोगों ने बीजेपी वालों ने, जो जनरल लोग थे जो जनरल लोग के जो कैटेगरी से लोग आते सारे के सारे उन्होंने जनरल लोग के सिलेक्शन कर दिया ट्रस्ट में, ओबीसी के किसी बंदों का वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि राम मंदिर सभी का है और सभी राम मंदिर को चाहते हैं बनना, लेकिन जो धरना हुआ था राम मंदिर के लिए या जिन्होंने बलिदान दिए थे या पुराने समय में लोगों ने अपनी आहुति दी थी या बलिदान दिए थे, काफ़ी सभी वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा मरने वाले उसमें ओबीसी समाज के ओबीसी वर्ग से लोग थे, जनरल से तो सिर्फ ना के बराबर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने दुहात कर दिया। आपका कहने का मतलब है कि जब आंदोलन और मंडे की बारी आई तो ओबीसी और एससी आगे रही थी और अब मलाई खाने की बारी आई तो जनरल को उन्होंने कर दिया, तो यहाँ तक कि सरकार से इस मैटर पर भी नाखुश है प्रजापति समाज। तो सर देखो आइए जानते हैं, इन्होंने बताया हमको कि प्रजापति समाज बहुत ही खफा है सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर, और देखते हैं इस पर बीजेपी सरकार क्या इनकी मांगों को मानती है नहीं मानती है, आने वाले टाइम में क्या रिस्पॉन्स होता है। आपके साथ मैं देवेंद्र प्रजापति, ब्यूरो चीफ गौतम।